आएगा सी फोर. ओके 62. वेयर डिड गांधी जी इनिशियली फोर्स द टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह. गांधी जी ने सत्याग्रह की टेक्निक सबसे पहले कहां अप्लाई की थी? साउथ अफ्रीका में, तो उनको ट्रेन से फेंका गया था वो काला बोल के. समझ में आ गया आपको? तो साउथ अफ्रीका आएगा इसका आंसर. हु वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ गांधी जी दांडी मार्च. ये आपने हिस्ट्री की बुक में शायद पढ़ाया होगा. इसका आंसर आपका ए आएगा, लॉर्ड आयरविन. लॉर्ड आयरविन. अगला, विच वन अमोंग द फॉलोइंग अमेरिकन न्यूज मैगजीन्स वॉज हाईली स्पेक्टिकल ऑफ गांधी जी डांडी मार्च इनिशियली बट विद इन ए वीक कंप्लीटली चेंज इट्स ओपिनियन एंड सल्यूटेड हिम एज ए सेंट एंड स्टेट्समैन. तो कौन था वो थे आपके सी टाइम. अमेरिका की कौन सी न्यूज मैगजीन थी? टाइम, जिन्होंने उनका ऐसा कहा था संत और स्टेट्समैन. 65th क्वेश्चन कौन सा दे रखा है देख लेते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वर पैसेंजर ट्रेन इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन कब डाली गई थी बताइए. नहीं पता होगा. 1825 में. कब? 1825. ओके अगला क्वेश्चन देखिए. इन एन इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब. हाँ भाई, बल्ब में जो लगा होता है ना आपका फिलामेंट, वो टंगस्टन का होता है. किसका होता है? टंगस्टन का. उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है काफी. अगला क्वेश्चन फिजिक्स का है. एक ये एक आपको ना एक डायग्राम टाइप बना रखा है, कुछ कनेक्शंस कर रखे हैं. टू इक्वल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन. ए डीसी करंट ऑफ 100 mA फ्लोज थ्रू द सर्किट. सर्किट आपको दिखाया हुआ है और इसका यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है. तो इसका आंसर आएगा आपका बी आएगा, 240 ओम्स आएगा कैलकुलेशन करने के बाद. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एनी क्वेश्चन आंसर लाइक दिस. ओके इसका आंसर मैंने बता दिया, 240 ओम्स है. ओके मेरे जो फिजिक्स के कलीग है उन्होंने सोल्व करके मेरे को बताया था. 68 देखिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी. एनर्जी की यूनिट कौन सी नहीं है? ये तो आसान क्वेश्चन है यार, साइंस का कोई बच्चा कर सकता है. न्यूटन मीटर. कौन सा? न्यूटन मीटर इज नॉट द एनर्जी यूनिट. अगला क्वेश्चन 69. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. ये बायोलॉजी का है तो इसका आंसर कौन सा आएगा देखो. बायोमास, गोबर गैस, बायोगैस, ऐसा कुछ उसने दे रखा है. तो इसका आंसर आपका आएगा डी, हीट कैपेसिटी ऑफ बायोगैस इज वेरी लो. नहीं, उसकी हीट कैपेसिटी हाई होती है बायोगैस की. अगला भी बायोलॉजी का है. द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन. पता, ये तो बायोलॉजी में हमने पढ़ रखा है कि न्यूक्लियस का कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस सब अंदर ही रहता है. द अंडर अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज नॉन एज. तो जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है, जिसकी कोई मतलब कोई बाउंड्री नहीं है न्यूक्लियस की, उस एरिया को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड. क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड. बायोलॉजी वाले बच्चों को पता हो इस बारे में. 71st क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू हैज डेड सेल्स. किस में होते हैं? ये होते हैं स्क्लेरन काइमा में. स्क्लेरन काइमा डी ऑप्शन है मेरे क्वेश्चन पेपर का. स्क्लेरन काइमा हैज डेड सेल्स. कार्टिलेज. कार्टिलेज कहते हैं सॉफ्ट बोन्स होते हैं, जो कान की हड्डी तो मुड़ गई, जैसे कान की हड्डी मुड़ी जैसे कार्टिलेज कहते हैं. तो यहाँ पे ईयर तो मैंने दिखा दिया, तो ईयर में तो है ये कार्टिलेज आपकी. तो इसका आंसर डी आएगा, यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर में कोई कार्टिलेज नहीं होती है. क्लियर हो गया. अगला क्वेश्चन भी फिजिक्स का ही है. टू प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स विद देयर रेडियस ऑफ ऑर्बिट एज R1 = R, R2 = 4R. उनके पीरियड्स का रेशियो निकालना हमने. तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आया था 1/8. 1/8 ये सही आंसर इसका. ठीक है, देखो फिजिक्स वाले की मैं बिल्कुल गारंटी लूंगा. मेरा अच्छा दोस्त है, काफी रेपुटेड स्कूल में पीजीटी है, कोई क्वेश्चन इसमें गलत नहीं. फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैं अपनी गारंटी ले रहा हूं आपसे. और बायोलॉजी की हमारी बायोलॉजी वाली मैम ने करके भेजा है. क्लियर हो गया आपको. अगला देखिए. ए मेटेलिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम्स इज कट इन टू 2 equal parts इन लेंथ. दीज पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल. द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू. इसका आंसर उन्होंने सी बताया, 5 ओम्स. क्या बताया? 5 ओम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है. लाइट ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी इम्पिंजिस परपेंडिकुलर ऑन ए टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इफ द एरिया ऑफ द सरफेस इज हाफ
द रेडिएशन फोर्स ऑन इट विल बी कम, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हाफ, क्या हो जाएगा हाफ। अगला पार्ट ऑन ह्यूमन आई का वो पार्ट जिस पे इमेज बनती है, ये तो बायोलॉजी वालों को तो पता ही होगा, रेटिना, क्या रेटिना। अगले सवाल में क्या है, उसने ना प्रोटॉन की डायरेक्शन बता रखी है हॉरिजॉन्टली और परपेंडिकुलर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड चार्ज बता रखी है, तो कह रहा है प्रोटॉन एंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट, तो डायग्राम में ऐसा दिखाया उसने एक, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन विल बी क्या होगा, इन टू द पेज, पेज के अंदर घुसता होगा फोर्स की डायरेक्शन। 78th क्वेश्चन को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साउंड इज नॉट करेक्ट, साउंड को लेके ना कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, उनमें से गलत कौन सी है ना, नॉट, हाँ गलत वाली बतानी है, तो इसका आंसर ना आपका बी आएगा, साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, ये गलत है उसका आंसर, ठीक है जी। 79th क्वेश्चन को देखिए, व्हेन द शॉर्ट सर्किट कंडीशन अकर्स करंट इन द सर्किट, क्या हो जाता है करंट, करंट हो जाएगा इंक्रीज, इंक्रीज सब्सटेंशियली, इंक्रीज सब्सटेंशियली सी। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 10th क्लास में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी 10th क्लास में डिटेल में पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो इसका आपको पता होगा कि कौन सा है जो मेल वाला हिस्सा नहीं है, तो इसका कौन सा नहीं, सर्विक्स, सर्विक्स नहीं है, क्लियर हो गया। 81st को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन ऑफ डिक्रीज इन बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी की डिक्रीज के पीछे कौन सा रीजन नहीं है, तो 81 का मैंने लगाया सी, मेंटेनिंग सेक्रेड ग्रोव्स, क्लियर हो गया। 82 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ डिप्लीशन इन ग्राउंड वाटर, आपको सबको पता है कि आज के ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत घट रहा है, कुछ रीजन बताए गए हैं, तो कह रहा है कि भाई कौन सा रीजन है, यार ए फॉरेस्टेशन नहीं है, अब पेड़ लगा रहे तो कैसे डिक्रीज होगा, क्लियर हो गया, इसका आंसर ए आएगा 82 का, यस ए ही मैं बता रखा आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री सब में आते हैं आपको, इसका आंसर कौन सा आएगा, एक्स रेज, क्या आएगा, एक्स रेज, हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, ठीक है जी। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट, आप इलेक्ट्रिक करंट के लिए आमतौर पर तो एमीटर का एमीटर सोचते रहते हैं, पर यहां पे आंसर क्या आएगा, जो ऑप्शन इसने दे रखे हैं यहां पे आएगा गैल्वेनोमीटर, क्या यूज करना है, गैल्वेनोमीटर, फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में आपको बताते होंगे। 85th को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, मिथेन, बायोगैस के लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन सी गैस है, मिथेन है। अगला क्वेश्चन देखिए, द सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, देखा ना आकाश लाल हो जाता है बिल्कुल, वो किसकी वजह से होता है, वो स्कैटरिंग की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग, समझ गए, ये तो फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ाया जाता है स्कैटरिंग। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, ये फिजिक्स का है, द लेंस हैज ए पावर ऑफ प्लस 2.0 डायोप्टर, Which one of the following statement about the lens is true? इसका आंसर आएगा आपका C. The lens is convex and has a focal length of 0.5 meter. मैं प्रॉपर आंसर बता रहा हूं अलग सेट्स वाले बच्चों के लिए, क्वेश्चन भी इसलिए पढ़ना पड़ रहा है मेरे को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है एट 70 डिग्री सेल्सियस सोडियम बाइकार्बोनेट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेजुअली डिकम्पोजिंग, 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब सोडियम बाइकार्बोनेट कह लो या बेकिंग सोडा कह लो उसको जब गर्म करते हैं तो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से उसको हम लोग बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सवाल कह रहा है डिकम्पोजिशन का कौन सा प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल है केक को फुलाने के लिए, तो यार ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उस आटे में से, आटे को फुला देती है, केक को सॉफ्ट बना देती है, ये भटूरे वाले भी इस्तेमाल करते हैं बेकिंग सोडा को भटूरे के आटे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी आसान है, केमिस्ट्री का है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट जिप्सम, ये 3 साल्ट्स के नाम दिए हैं, इसके अगर आपको प्रॉपर फॉर्मूले पता है तो आप बता दो कितने कितने पानी के मॉलिक्यूल है, तो कॉपर सल्फेट में होते 5, सोडियम कार्बोनेट में होते 10 और जिप्सम में होते 2, क्लियर होगी बेटा जी बात। अगला को यानी ए ऑप्शन है 5, 10 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। 90th क्वेश्चन को देखिए,
Which one of the following is the best correct sequence of change in colors when a turmeric stain on white cloth is scrubbed by soap? अब देखो, soap base होता है, soap में क्या था, base होता है, और वो जो turmeric का जो दाग लगा हुआ है, हल्दी का दाग, तो हल्दी used है ना as an indicator to identify the acidic or basic solution. तो turmeric जब base react करती है तो brownish हो जाती, reddish brownish, यानी आपका red से बनेगा reddish brownish, और जब और पानी से धोदोगे दोबारा से येलो अपीयरेंस आ जाएगी. तो इसका ऑप्शन आपका बी आएगा, येलो, रेडिश ब्राउन और येलो. ठीक है जी. अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लीचिंग पाउडर एंड डीडीटी इज करेक्ट. ब्लीचिंग पाउडर डीडीटी हम दोनों 11 12th क्लास में पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स वगैरह, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा आपका सी, दोनों में क्लोरीन होती है, दोनों में क्लोरीन होती ही होती है. क्लियर हो गया आपको. अगला है, Which one of the following is the best example of desiccant? Desiccant का मतलब moisture absorb करने वाला. इसका आंसर silica gel आएगा इन options में. क्या आएगा? Silica gel. अगला question है 93rd. Which one of the following was the first mineral acid discovered? अरे भाई, king of chemicals, sulfuric acid, और कुछ नहीं है इसका आंसर. क्लियर हो गया. 94th question देखिए, the refractive index of fused quartz is 1.46 and that of sapphire is 1.77. If VQ is the speed of light in quartz and VS is the speed of light in sapphire, ये दो आपको minerals दे रखे, quartz और sapphire, इसमें light की speed के बारे में कुछ बता रहा है, और इसका answer क्या आएगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ. इसका answer A आएगा, VQ मतलब quartz के अंदर जो velocity है it is greater than velocity in sapphire mineral. तो A option है मेरे क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, VQ is greater than VS. अगला क्वेश्चन क्या है, भी फिजिक्स का ही है. इन केस ऑफ ए कंकेव मिरर, इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस F एंड पोल P ऑफ द मिरर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इमेज इज नॉट करेक्ट. तो इसने चार स्टेटमेंट दे रखे, इमेज विल बी वर्चुअल, इमेज विल बी इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड, इमेज विल बी फॉर्मड एट इंफिनिटी, इमेज विल बी इरेक्ट. तो इसका आंसर मैंने लगाया सी, इमेज विल बी फॉर्मड एट इंफिनिटी. फिजिक्स सारे बच्चे जानते होंगे अच्छे तरीके से. ठीक है जी. अगला क्वेश्चन जनरल स्टडीज का है, जनरल जीके का है. न्यूजीलैंड इज कंसीडर्ड पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप. न्यूजीलैंड किन आइलैंड ग्रुप्स का हिस्सा है? इसका आंसर सी आएगा आपका, पोलिनेशिया, पोलिनेशिया. 97th क्वेश्चन, Which of the following statements with regard to प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना PMKSIY are correct? एक तीन स्टेटमेंट दिए हैं, तीन में से शायद एक भी सही हो सकती है, दो सही हो सकती है, तीनों भी सही हो सकती हैं. तो इसका आंसर क्या आएगा, तीनों सही स्टेटमेंट से, तो तीनों दे रखी हैं, कोई गलत नहीं उसके अंदर. क्लियर हो गया. 98th क्वेश्चन को देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, Which of the following are described as a part of Parliament of India? तीन चीजें दे रखी हैं, House of the People, Council of the State, President of India. इसका आंसर तीनों ही आएंगे भैया, ये समझ में बात आएगी, तीनों को माना गया है. क्या? Part of Parliament of India. 99th क्वेश्चन को देखो, पहला 5-year plan कब, the first 5-year plan किस देश में लागू किया गया था? तो इसका आंसर आपका यूएसएसआर आएगा, जो आजकल रशिया के नाम से हम जानते हैं. क्लियर, पहले यूएसएसआर बोलते थे उस क्वेश्चन. आप देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है फिर जो लिखे हुए, 100th क्वेश्चन, अभी 50 क्वेश्चन और भी हैं. द कॉल फॉर ग्रीबी हटा वाज इनकॉर्पोरेटेड इन, ये कब लागू की गई थी, किस प्लान में लागू की गई थी इंडिया में? ये की गई थी 5th 5-year प्लान के अंदर. देखो मैं पहले क्लियर कर देता हूं, जो मेरे सब्जेक्ट के हैं, जिसका मुझे कंफर्म कमांड है, उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं केमिस्ट्री वालों को, बाकी मैं कमांड नहीं है, मैंने लिए हैं उनके आंसर्स, इसलिए चलो मैं ऑप्शंस विद उनका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, क्या ऑप्शन क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ आपको. क्लियर हो गया आपको यहां तक? ओके. अगले क्वेश्चन में ना मैच द फॉलोइंग एक दिया हुआ है, यू हैव टू मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू. लिस्ट वन में दे रखे फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, बी दे रखे फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, सी में दिया है करेक्शन ऑफ डिस इक्विलिब्रियम कॉज बाय सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और डी में दिया है अटेनिंग सेल्फ रिलायंस, और लिस्ट टू में दिए फर्स्ट फिफ्थ इलेवेंथ एंड फोर्थ. तो अब आंसर आपको दिख रहा होगा, इसका मैंने बी ऑप्शन बताया, थ्री
इस मैच द कॉलम का आंसर बी है, मतलब कहने का मतलब फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ है ना, वो तो मैच करेगा 11th से, क्लियर हो गया। फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ये मैच करेगा आपका 4th से, यानी कि 12th से, 12th से। करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम कॉज्ड बाय सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये मैच करेगा 1st लिस्ट से, 1st 5-year plan से। और लास्ट है अटेनिंग सेल्फ रिलायंस, ये करेगा आपका किससे, ये करेगा 2 से, यानी 5वें 5-year plan से। तो आंसर आएगा 3-4-1-2, क्या आएगा इसका 3-4-1-2। ए विल ही मैच विद 3rd, बी विल ही मैच विद 4th, सी विल ही मैच विद 1st एंड डी विल ही मैच विद 2nd, ऐसा इसका आंसर। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, मैंने लगाया बी, यानी इक्वल जस्टिस फॉर फ्री लीगल एड, ये इसका आंसर है, इक्वल जस्टिस फॉर फ्री लीगल एड। 103 क्वेश्चन को देखिए, ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय, अब जैसे मेरा हरियाणा पंजाब का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है, नाम क्या है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, तो ऐसे हाई कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, वो उससे रिलेटेड एक आंसर आना आपका। 103 का ए बताया गया, ए लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, क्या आंसर आएगा, ए लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 1928 ए कमेटी ऑफ कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, तो इस कमेटी को हेड किसने किया था, इस कमेटी को हेड किया था आपका मोतीलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू के जो फादर थे पंडित मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जयपाल सिंह इज नॉट करेक्ट, अभी जयपाल सिंह कौन है, देखिए इतना मुझे भी नहीं पता, पर नेट से आंसर ढूंढा इसका, इसका आंसर आपका आएगा डी, ही कंपेन्ड फॉर ए सेपरेट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, क्लियर हो गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कराने में इनका योगदान है। 106, what is टिक्की मौसी इन द करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन, बच्चों को मेल न्यूट्रिशन होता है ना, उसमें कोई टिक्की मौसी कोई है इसमें, कोई शायद ये जैसे अपना होते हैं, चलो छोड़ो, इसका आंसर क्या आएगा, ये नेम है किस चीज का, या तो मस्केट है या स्कीम का नाम है, उसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका, ये कोई मस्केट है, पुतला टाइप कह लीजिए जो घूमता फिरता रहता है इस टाइप से, मस्केट है आपका, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म डे 2019, इसका आंसर आपका आएगा डी, टूरिज्म एंड जॉब्स ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज होस्टेड द आर्मी एक्सरसाइज सेंटर 2019, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपका आएगा ए रशिया, क्या आएगा ए रशिया, ठीक है जी। 109 को देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स, इनमें से किस देश को कहा जाता है हवाओं का देश, तो इसका आंसर क्या आएगा डेनमार्क, क्या आएगा डेनमार्क। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का सबसे पुराना साइंटिफिक डिपार्टमेंट कौन सा, इन चार में से सर्वे ऑफ इंडिया दिया है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दिया है और DRDO दिया है, तो यहां पे है सर्वे ऑफ इंडिया, क्या आएगा सर्वे ऑफ इंडिया, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, नसीम अल बहार इज अ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, कोई नेवी की एक्सरसाइज हुई थी, वो किन दो देशों के बीच हुई थी, इंडिया के साथ कौन आया था उसमें, उसमें इंडिया के साथ आया था आपका ओमान, कौन सा आया था ओमान, क्लियर हो गया। कोनेरू हम्पी एक्सेल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, ये तो खिलाड़ी का नाम है पता होगा आपको, कोनेरू हम्पी क्या खेलती है, ये खेलती है आपका चेस, क्या खेलती है चेस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल मस्केट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020, आज बताओ भाई स्पोर्ट्स वाले बच्चों को पता होगा इसका आंसर, इसका आंसर ये आएगा विजया, क्या आएगा विजया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2020 ए पैसेंजर एयरक्राफ्ट क्रैश्ड इन ईरान आफ्टर टेकिंग ऑफ फ्रॉम तेहरान इमरान इमाम कोहमी एयरपोर्ट, आज जो अमेरिका ने शायद गिराया था उसको, क्लियर हो गया, तो उसका वो किस एयरलाइंस से बिलोंग करता था, वो बिलोंग करता था आपका
उक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस से, ये तो लेटेस्ट है बिल्कुल, कुछ दिन पहले इसमें गड़बड़ हुई थी, ठीक है जी। मिलान ए मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज, ये वाज होस्टेड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, तो नेवी की एक्सरसाइज कहाँ हुई होगी, सोच के देखो। बेहतर चारों ऑप्शन ऐसे दे रखे जो समुद्र के पास है, तो इसका आंसर आएगा सी विशाखापट्टनम। क्या आंसर आएगा? विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन फिजिक्स का है शायद। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज, आर और एफ में रिलेशनशिप आपको बतानी है, तो क्या है वो तो पता होगा, फिजिक्स पढ़ी है, तो आर इज इक्वल टू टू एफ, आर इज इक्वल टू टू एफ। नेक्स्ट, लेमन कैप्ड इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी लार्जर देन इट्स एक्चुअल साइज, अगर लेमन को आप शीशे के ग्लास में रख के बाहर से देखोगे ना, तो लेमन का साइज बड़ा नजर आएगा, वो किस कारण से नजर आता है, वो आपको आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, रिफ्रैक्शन। लाइट एंटर्स द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन, लाइट आंखों में घुसती है थिन मेम्ब्रेन को पार करके, उस थिन मेम्ब्रेन का नाम क्या है, उसका नाम है कॉर्निया। क्या नाम है? कॉर्निया। नेक्स्ट, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज्ड ए ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, ये 119 का आंसर आएगा आपका सी इसैक न्यूटन। क्या आएगा? इसैक न्यूटन। 120th क्वेश्चन देख लीजिए। द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट एन इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर दैट कंज्यूम्स 5 kW पावर वर्किंग 10 hours ए डे फॉर 30 days विल बी, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है आपका बी ₹6,000। कितना आएगा? ₹6,000, ये करेक्ट आंसर है इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट करेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड ना चार स्टेटमेंट आपको दी गई इस क्वेश्चन में, तो एक गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है, वो थर्ड वाली है, क्यों कहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर ओपन कर्व्स, ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये केमिस्ट्री का है, बल्क बल्क मिनिस्टर फ्लोरिन इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ये सही स्टेटमेंट है। डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गलत है, डायमंड तो पुअर कंडक्टर होता है, क्लियर हो गया, ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्रोपेन, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है तो आप आराम से बता दोगे कितने इसमें कोवलेंट बॉन्ड, इसमें है भैया आपके 10 निकल के आएंगे आपके, भाई CH3 के 3, CC का 1, 3 और 1 4, 1 5, 2 7, यस 10 आपके आंसर आ जाएंगे इसमें, बना के देख ले इसको, कंफर्म कर ले एक बार, कहीं गलत ना हो जाए, देख ले भाई, क्लोरोप्रोपेन बता रहा है वो, तो क्लोरोप्रोपेन ऐसा होता है ना CCCCl, एक एच यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक इन बॉन्ड का गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंसर था आपका। क्या आंसर था आपका? 10 सही है, बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। आगे क्वेश्चन देखते हैं अभी।